वो है बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। बीजेपी ने बिहार चुनाव के मैदान में एलजेपी पर निशाना साधा है। प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री का कहना है कि बिहार चुनाव में एलजेपी का कोई असर नहीं है। बिहार चुनाव में एलजेपी अलग मैदान में उतरी है और अब बीजेपी का कहना यह कि एलजेपी वोट कटवा पार्टी की तरह बर्ताव कर रही है। एलजेपी बिहार की जनता को गुमराह कर रही है जबकि बिहार चुनाव में एलजेपी का कोई असर नहीं है। ये बात प्रकाश जावड़ेकर ने कही, केंद्रीय मंत्री ने। और साथ ही बीजेपी का यह भी कहना कि बीजेपी की कोई बी टीम नहीं है। आपको बता दें बड़ी दिलचस्प स्थिति है बिहार चुनाव के मैदान में, जहां नीतीश और बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। एलजेपी अलग है लेकिन एलजेपी प्रधानमंत्री की तस्वीर भी लगाना चाहती है और ये भी कहती है कि मुख्यमंत्री अब की बार बीजेपी का बनेगा, यानी कि बीजेपी और एलजेपी का बनेगा। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ आ गए हैं फोन लाइन पर इसी बारे में और जानकारी लेकर। अशोक, ये समीकरण इसको कैसे रख रही है बीजेपी जनता के बीच? देखिए, बीजेपी ने आज फिर एक बार क्लियर किया है कि लोक जनशक्ति पार्टी भ्रम की स्थिति बना रही है, झूठ बोल रही है। बिहार में एलएनजेपी बिहार एनडीए का हिस्सा नहीं है, वो अपना चुनाव लड़ रही है। इसलिए लोग जनता ये बात समझ लें कि वो वोट कटवा पार्टी है, ये लोग समझ भी चुके हैं। इसलिए उसको हम लोग अलग मान रहे हैं और जनता को भी उसको अलग मानना चाहिए। भ्रम की स्थिति एलएनजेपी को नहीं पैदा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एनडीए के पार्टनर वो नहीं है बिहार में और हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार की लीडरशिप में बिहार में बीजेपी चुनाव लड़ रही है। ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार रोहित चिराग पासवान ये बात कह रहे हैं कि हम लोग प्रधानमंत्री की तस्वीर लगा रहे हैं, हमारे दिल में रहते हैं, प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं, उनकी नीतियों पे चलते हैं। तो ये भ्रम की स्थिति चिराग पासवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बात का मुद्दा बीजेपी ने आज उठाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा की ओर से। और बार बार पटना में भी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब भी ये कहा गया, चाहे वो सुशील मोदी रहे हो, दूसरे पार्टी के नेता रहे हो, उन्होंने भी क्लियर करने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद भी चिराग पासवान लगातार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ हम जुड़े हैं, उनकी नीतियों को फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं और हम लोग बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। इस बात को लेकर बीजेपी ने घोर आपत्ति की है कि कोई भी भ्रम और झूठ की राजनीति नहीं की जानी चाहिए एलएनजेपी के द्वारा। हम उनको वोट कटवा पार्टी के अलावा कुछ नहीं मानते।